थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा दे दें। उस जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। थोड़ी सी भी आपको बिहार के जनता के प्रति दर्द है तो ऐसे भ्रष्टाचारियों से सरकार को मुक्त करें। अपराधी और भ्रष्टाचारी कभी सुशासन स्थापित नहीं कर सकता और ये लोग बिहार के बर्बादी के बड़े नायक बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जो बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर और जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनके बीच जो विवाद चल रहा है लगातार, वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा ने जो शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर उन पर जोरदार हमला बोला और साफ साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है शिक्षा मंत्री के अंदर तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पहले आप इस वीडियो में देखिए। आज बिहार के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता आई है और शिक्षा विभाग को जिस हाल में छोड़ दिए हैं, शिक्षा मंत्री जी थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा दे दें। वो आपके पीएस को नहीं, आपको रोका गया है। आपके भ्रष्टाचार के कारनामों को उजागर किया जा रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं शिक्षा विभाग में हमारे बच्चों को? क्या संदेश आपके माध्यम से जा रहा है? आज सरकार को इस तरह के शर्मसार स्थिति बनने से पहले ही एक्शन लेनी चाहिए थी, लेकिन आज पूरी तरह से राजद हावी हो चुका है। मुख्यमंत्री सत्ता के लिए लाचार बेबस हो चुके हैं और राजद भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा है। कानून का राज खत्म है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर है और अगर जो समय रहते इस पर एक्शन नहीं लिया गया, जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से आने वाले लोगों को आप उस जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, थोड़ी सी भी आपको बिहार के जनता के प्रति दर्द है तो ऐसे भ्रष्टाचारियों से सरकार को मुक्त करें। अपराधी और भ्रष्टाचारी कभी सुशासन स्थापित नहीं कर सकता और ये लोग बिहार के बर्बादी के बड़े नायक बनेंगे। तो अभी आपने देखा जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा, कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री हैं उन पर जोरदार हमला बोला और साफ साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है शिक्षा मंत्री के अंदर तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। साफ साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि जो शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार अब उजागर हो चुका है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और वही नहीं, विजय सिन्हा ने ये भी कह दिया कि जो राजद है वो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हावी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं लाचार हो चुके हैं। तो एक बार फिर से के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच चल रहे विवादों के बीच एक बार फिर से बीजेपी यानी जो नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा, उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की और साफ साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी शिक्षा मंत्री के अंदर नैतिकता बचा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और वही नहीं, साफ साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब लाचार हो चुके हैं और पूरी तरीके से राजद अब नीतीश कुमार पर हावी हो गई है। और भी क्या कुछ कहना था विजय सिन्हा का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अब मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।